हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय मिराज सर। और मैं हूं आपके साथ मिस्टर मिराज सर। कभी कभी कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वे लोग गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं, जैसे कि बंद गाड़ी हो गई, बस हो गया, कार हो गया या एरोप्लेन हो गया, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो सिर है वो चकराने लगता है, ठीक है, यानी कि चक्कर आना शुरू हो जाता है, पेट में कुछ हलचल सी होती है, पेट बुकबुकाता है और बाद में उल्टी जैसा मन होता है, उल्टी होने लगता है, राइट। तो ऐसी समस्या कई लोग के साथ होती है और ये समस्या मेरे भी साथ होता है, लेकिन आज हम समझेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक। ये कोई बीमारी नहीं है, ये जो है समस्या किसी के भी साथ हो सकता है। अब इसके होने का क्या कारण है और इससे हम कैसे बचेंगे, सब कुछ वीडियो में हम जानेंगे, चलिए समझ लेते हैं। देखो भाई, होता क्या है कि जब हम अपने कार में बैठे होते हैं या बस में बैठे होते हैं, तो जैसे कि जो पीछे वाली जो सीट है, पीछे वाला जो हिस्सा है गाड़ी का, अगर वहाँ पर हम बैठते हैं तो क्या करता है, वो जंप करता है, राइट। ज़्यादा जंपिंग करता है, ज़्यादा हम कह सकते हैं कि पीछे वाला हिस्सा ज़्यादा थोड़ा कूदता है, राइट। तो जब हम बैठेंगे ना, तो हमारी ये जो आंखें हैं और ये कान है, राइट, आंखों का काम है देखना और कान का काम है सुनना, और ये दोनों, ये जो आंख और हमारी कान, ये जो दोनों एक सिपाही की तरह काम करते हैं और ये सूचना लेके जाते हैं हमारे मस्तिष्क के पास, और मस्तिष्क जो है एक कमांडर हेडक्वार्टर की तरह काम करता है, यानी कि ये दोनों सिपाही हैं, आंख और कान, जो ले जाते हैं सूचना हमारे मस्तिष्क तक, ठीक। तो मस्तिष्क इन्हें समझता है। जब हम गाड़ी में बैठे रहते हैं ना, तो होता क्या है कि जैसे पीछे वाले सीट पर हम बैठे हैं, तो हम ये देख रहे होते हैं कि गाड़ी में सब कुछ स्थिर दिख रहा है, राइट, यानी कि बगल में कोई मेरा मित्र बैठा हुआ है, ड्राइवर है, वो गाड़ी अपने सीट पर बैठ कर चला रहा है, राइट, हमारे फ्रेंड जो है मोबाइल हाथ में लिए हुए हैं, सब कुछ हमें स्थिर दिखता है। लेकिन जो कान है ना, वह हलचल का पता कर लेता है, क्योंकि अगर हम बायोलॉजी का स्ट्रक्चर में हम कान का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कान के अंदर एक सिस्टम है जिसका नाम है वेस्टिब्यूलर सिस्टम, राइट। उसमें कुछ तरल पदार्थ होता है, यानी कि कान के अंदर हमारे तरल पदार्थ होता है और कुछ बाल भी होते हैं, रोएं जैसे कुछ छोटे छोटे क्या होते हैं, ये हेयर होते हैं, बाल होते हैं। तो जब गाड़ी पीछे जब जंप करेगी, राइट, तो ये जो तरल पदार्थ है वो छलकने लगता है, हिलने लगता है, और ये जो कान के अंदर जो रोए हैं वो भी मूव करने लगते हैं, राइट, वो भी हिलने लगते हैं। तो होता क्या है कि हमारा कान जो है ना, वो किसी भी हलचल को भाप लेता है, यानी कि हम गाड़ी में बैठे हैं तो हम भाप रहे हैं कि भाई हलचल हो रही है, लेकिन आंखें जो हैं वो कह रही है भाई सामने वाला ड्राइवर अपनी जगह पर बैठा है, ठीक, हमारे बगल में फ्रेंड है, हम बातें कर रहे हैं, सब कुछ स्थिर है, लेकिन कान कहता स्थिर नहीं है। ये जो दोनों सिग्नल है हमारे ब्रेन के पास जाता है और ब्रेन को पता चलता है कि अरे भाई सब कुछ स्थिर है, फिर कान कहता भाई स्थिर नहीं है, आंखें कहती स्थिर है, कान कहता स्थिर नहीं है। तो होता क्या है कि इसी में दिमाग जो है ना उलझ जाता है और दिमाग का हम कह सकते हैं दिमाग ही खराब हो जाता है, इसीलिए हमें चक्कर आना शुरू हो जाता है, राइट। अक्सर ज़्यादातर लोग के साथ होता है, मेरे भी साथ ऐसा होता है। तो होगा क्या कि जो भी हम खाना खाए रहेंगे ना, होता क्या है कि जब हम सफ़र करते हैं ना, तो हमारे जो है कि खान पान के तौर तरीके भी बदलते हैं और जगह भी बदलता है। तो कुछ मसालेदार अगर चीज़ आप खा लेते हैं तो हमारे शरीर को पचाने में ज़्यादा ऊर्जा लगती है, राइट, आयरन मटेरियल पचाने में। तो होगा क्या कि उस कंडीशन में अगर हम जो भी खाए रहेंगे ना, तो जो हमारा ब्रेन है ना, वो क्या करेगा, कहेगा अरे भाई मैं खुद परेशान हो गया, खुद चक्कर, मैं चक्करा गया, चक्कर आ रहा है और मैं उस खाने को नहीं पचा पाऊँगा, और वो तुरंत हमारे स्टमच को, यानी कि हमारे पेट को फरमान जारी करता है, भाई जो भी पेट के अंदर है उसे मैं नहीं पचा सकता, क्योंकि मैं ही कंट्रोल करता हूँ, मैं ही आदेश देता हूँ, किसको, लीवर को और अग्नाशय को, जो हम कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव जूस निकाल कर पचाते हैं, तो यानी कि मैं नहीं पचा सकता, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं खुद परेशान हो गया हूँ। तो जो हमारा अमाशय है उसमें संकुचन होने लगता है और जो भी खाना हम खाए रहते हैं वह मुँह से बाहर आना शुरू हो जाता है, राइट, इसीलिए हमारे साथ ऐसा होता है। अब बात करते हैं कि आप इससे कैसे बच पाएँ, यानी कि अगर आप चाहें, अगर गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो आपके साथ ऐसा ना हो तो क्या करना चाहिए। देखो भाई, कभी भी आप गाड़ी में सफ़र करो तो एक घंटे पहले खाना खा लो, जो भी खाना खाना, लेकिन अगर आपको ज़्यादा लंबी यात्रा करनी है तो आप कुछ सादा जो भोजन होता है सादा भोजन आप कर लो, ठीक, और कुछ ऐसे भोजन लो जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन लो, जैसे कि मीठे में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो आप कुछ मीठा खा लो, इसलिए क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है ना बहुत आसानी से हमारे शरीर में पच जाता है और हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अगर आप कुछ मीठा चीज़ खा लेते हो ना, खाकर अगर गाड़ी में सफ़र करते हो, तो मैं
100% आपको गारंटी देता हूँ आपके साथ ऐसा नहीं होगा, चक्कर नहीं आएगा, उल्टी नहीं आएगा, क्योंकि जो आपका ब्रेन है ना उसमें कम ऊर्जा लगता है कार्बोहाइड्रेट को पचाने में, और कार्बोहाइड्रेट पचेगा तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज बनेगा तो आसानी से ऊर्जा हमारे शरीर में बनेगी तो अवेलेबल रहेगा, और हमारा जो मस्तिष्क है वो काम भी कर पाएगा अच्छे तरीके से। तो कुछ मीठा खा के आप बैठें तो आपको चक्कर नहीं आएगा। अगर आपके साथ ऐसा होता भी है किसी कारण अगर चक्कर आता है तो आप कैसे बचेंगे, करना क्या होगा, गाड़ी का जो शीशा होता है ना उसे आप खोल दें और अपने सिर को थोड़ा बाहर की तरफ जो है कि शीशे के पास करके और देखना शुरू करें, खुली ताजगी हवा को महसूस करें और आँखों से देखें कि हाँ सब कुछ, यानी कि आँखों को पता चले हाँ हलचल हो रहा है, कान अगर हिल रहा, कान के अंदर जो फ्लूड है हम कह सकते हैं जो तरल पदार्थ अगर वो हिल रहा है तो पता चले आँखों के हाँ हलचल हो रहा है, या ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप गाड़ी से बाहर निकलें, खुली ताजगी ताजगी हवा को थोड़ा महसूस करें, उसके बाद आप गाड़ी पर बैठें और तब आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही जानकारी लेना तो मेरे चैनल बायोलॉजी बाय मिरासर को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।